आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है अपने चैनल स्टूडेंट लाइफ लर्निंग पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ सीबीएसई के ऊपर एग्जाम को लेकर अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर बात करने वाला हूँ, और नीट जे एग्जाम को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी सारे खबर निकल कर आ रही है, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपार्टमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ, और बात करने वाला हूँ स्टूडेंट के जो काफ़ी सारे सवाल है एडमिशन को लेकर यहाँ पर डाउट है उसके भी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात करता हूँ नीट जे एस्पिरेंट के लिए, ठीक है, जो नीट जे के एग्जाम को पोस्टपोन को लेकर यहाँ पर जो रिव्यू पिटीशन दिया गया था और यहाँ पर जो भी फाइल दर्ज हुआ था, तो उसका दोस्तों जो आज की सुनवाई है, ठीक है, आज की सुनवाई है। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। वैसे कोई चांस नहीं है, मैं क्या बोलूं कि कोई भी यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि उनके एग्ज़ाम यहाँ पर पोस्टपोन हो जाए। हालांकि पीएल फाइल दर्ज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में आज का फैसला है, देखते हैं क्या होने वाला है। तो नीट जे एग्ज़ाम को लेकर अभी एक यहाँ पर मतलब कि मोदी जी की जो कल यहाँ पर वीडियो आई थी, तो उस वीडियो में दोस्तों काफ़ी सारे डिसलाइक मारे हैं स्टूडेंट ने, काफ़ी डिसलाइक दिया है। क्योंकि वहाँ पर क्यों डिसलाइक दिया है, क्योंकि 28 लाख स्टूडेंट उस वीडियो में मतलब कि देख रहे थे, सोच रहे थे कि मोदी जी कुछ ना कुछ उनके बारे में बोलेंगे, उनके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ कहेंगे नीट जे एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। और इसी को लेकर यहाँ पर राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि नीट जे एस्पिरेंट वांटेड टू द प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा, बट द प्रधानमंत्री डिड खिलौने पर चर्चा। तो यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पर परीक्षा पर चर्चा, स्टूडेंट चाहते थे कि परीक्षा पर कुछ कहें, लेकिन उन्होंने खिलौने पे ही बात करी है। तो अब आप लोगों के दोस्तों यहाँ पर डाउट है एडमिशन को लेकर कंपार्टमेंट स्टूडेंट के, आप लोग फ्रस्ट्रेट हो कि एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप लोगों से सीधा इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए यहाँ पर एडमिशन की जो सीट है वो रिजर्व रहेगी, तो आप लोग का एडमिशन मिलेगा आप लोग, ठीक है, इतना फ्रस्ट्रेट होने की कोई बात नहीं है। इसके ऊपर भी यहाँ पर कोई ना कोई विचार ज़रूर होगा आपके लिए, यहाँ पर विचार ज़रूर होगा, तो आप लोग के यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। अब बात करता हूँ दोस्तों सीबीएसई कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर कि अनलॉक की 4 की गाइडलाइन आ गई है, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत से हम समझते हैं कि एग्ज़ाम के बारे में क्या है। अनलॉक की गाइडलाइन आ चुकी है, ठीक है, यहाँ पर सितंबर में आपके एग्ज़ाम नहीं खुलेंगे, ठीक है, ये फाइनल है। और 21 सितंबर तक स्कूल खुलेंगे, जिसमें 50% स्टूडेंट मतलब टीचर जो स्टाफ के जाएंगे, जो और नॉन टीचिंग टीचर हैं वो जाएंगे 50%, मतलब कि वो वर्किंग के लिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि 21 सितंबर से मतलब क्लास 9 से 12 के जो स्टूडेंट हैं वो जा सकते हैं, लेकिन लेकिन मतलब अटेंडेंस है वो नॉट कंपलसरी, ठीक है। अगर उनके पेरेंट्स उनको अलाउ करते हैं, अगर वो रेड जोन में नहीं आता है, कंटेम्प्रेरी जोन में नहीं आता है, कंटेनमेंट जोन में, तो मतलब वहाँ पे स्कूल खुल जाएंगे और टीचर वहाँ पर उनको मतलब कि सजेशन के लिए, वो किसी वाइवा के लिए मतलब कि किसी न किसी अपने उसमें पूछताछ के लिए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन नॉट कंपलसरी, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर फाइनल है कि यहाँ पर सितंबर में स्कूल नहीं खुलेंगे। तो अब मेरे जो ओपिनियन है एग्ज़ाम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैं गवर्नमेंट तो हूँ नहीं, जो मैं डिसाइड करके अभी बता दूंगा कि इतने परसेंट चांस है, उतने परसेंट चांस है, लेकिन मैं मेरे को क्या लगता है कि यहाँ पर देखो कि कंपार्टमेंट स्टूडेंट एग्ज़ाम आपके यहाँ पर सितंबर में होंगे नहीं, और अभी तक कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं हुई है, और अभी तक यहाँ पर डेट भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हालांकि सीबीएसई और यहाँ पर पॉलिटिक्स के रूप में यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर जब डेट अनाउंसमेंट नहीं करी है, एडमिट कार्ड नहीं आया है, और ज़्यादा पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में क्या होगा कि वहाँ पर काफ़ी सारे फेस्टिवल आ जाएंगे, और फेस्टिवल के यहाँ पर लेके तो और यहाँ पर चांसेस भी है कोरोना के जैसे अभी हैं, और यहाँ पर सीबीएसई कह रहा है आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन बस यही है कि देखो अभी भी थोड़ी सी उम्मीदें हैं आप लोग के लिए कि यहाँ पर आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर शक्ति पांडे सर, शिवम भाई, आयशा, काफ़ी लोग मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आयशा, शक्ति पांडे सर, सभी यूट्यूबर कम्युनिटी गाइड को, सभी लोगों को यहाँ पर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने आप लोगों के लिए यहाँ पर इतना कुछ किया। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर पीएल फाइल दर्ज की जा चुकी है, जिसको दोस्तों 3 तारीख के यहाँ पर फैसला होगा। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों का क्यों कह रहा हूँ कि थोड़ी सी उम्मीदें हैं, जो अपने में मतलब कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तहत, और अपने मतलब कि जो मुझे लगता है कि यार जब इतना सितंबर में स्कूल नहीं खुलेंगे, जब यहाँ पर कोरोना कितने केसेस हैं, तो यहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल कर देना चाहिए। तो जब तक आपके एडमिट कार्ड नहीं आते, जब तक आपकी डेट अनाउंसमेंट नहीं होती है, मैं तब तक आप लोग के लिए ऐसा ही कहता रहूँगा कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए। तो आप देखो, आप लोग मेरे भाई हो, तो मैं एक यूट्यूबर नहीं, एक भाई होने के नाते आप लोगों को एक एडवाइस यही दे रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है, फैसला जो भी है आपके फेवर में आए या फेवर में ना आए, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर सोचना है कि आप जो होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब पॉजिटिव वे में रहना है,
फैसला आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, आप लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करना है बैकअप के रूप में, नेक्स्ट की तैयारी करनी है। तो बस आप लोगों की PL फाइल दर्ज हो चुकी है तो 3 तारीख का फैसला आएगा। तो इतना परेशान जब आप 1 महीने से हुए सोचते जा रहे कब होगा एग्जाम कब होगा, इसको लेकर हमने काफ़ी यहाँ पर मुहिम भी चलाई और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट किया जिसको लेकर PL फाइल दर्ज की। तो काफ़ी सारे कुछ यहाँ पर कंसर्न करेंगे शक्ति पांडे सर जी और आप लोग की हर चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो थोड़ी सी उम्मीदें हैं, देखते हैं क्या होगा। तो अच्छी बात है, ये भी बहुत गुड न्यूज़ है कि जितने काफ़ी परेशान थे डेट नहीं आई थी लेकिन अब डेट आ गई है, तो लास्ट चांस है, लास्ट होप है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और जो भी कोई छोटी से छोटी खबर आएगी कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।